आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का सदैव की तरह से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, और मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि आप सबसे मुलाकात करने का हमें बार बार मौका मिलता है, लेकिन आज क्योंकि इस सेट पे किंग मौजूद हैं तो आज कुछ ऐसे मित्र लोग और भाई लोग भी जिनसे शायद पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। इससे पहले कि हम ये बात आगे शुरू करें, आज ये जो प्रेस वार्ता है ये जिस संदर्भ में बुलाई गई, उस फिल्म का नाम है शतरंज, और जिसमें दलेर भाई ने एक अपने गाने से उस फिल्म को सजाया है। मेरे साथ मौजूद है हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर, बाल भवन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रैंक रखते हैं श्री आनंद जी, आनंद प्रकाश जी, और मेरे साथ है मृणाली सिंह जी, हमारी अनदर प्रोड्यूसर हमारी फिल्म की। मेरा नाम दुष्यंत है, आई एम ए डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, और हमारी फिल्म की जो शतरंज की जो क्वीन है कविता त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। और दिलेर भाई के लिए तो मैंने पहले ही बोला था, कुछ बोलना ऐसा ही होगा जैसे सूरज को आप दिया दिखा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है जब आप एक लीजेंड के साथ मंच पे खड़े होते हैं, तो इस मामले में हमारा सौभाग्य कि आज हम लोग ये प्रेस वार्ता शेयर कर रहे हैं एक लीजेंड के साथ में, और आगे आप सब जो जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। दिलेर सर जी, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से, मेरा आपसे सवाल है कि जब ये शतरंज फिल्म का जो टाइटल है, जब भी हम शतरंज की बात सुनते हैं तो हमेशा दिमाग की बात आती है, उसमें चालें होती हैं, सस्पेंस होते हैं, मिस्ट्री होती है, तो आपने डायरेक्टर साहब से सवाल ये किया कि यार इस फिल्म में मेरे गाने की क्या जरूरत है? और इसमें ये क्योंकि डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा है, उन्होंने गेम खेली है, क्योंकि इस चाल में मेरा गाना होना बड़ा जरूरी है कि जब आदमी कोई बात समझ ना आने लगे तब उसको मामला गड़बड़ गाना दिखा के थोड़ा दिमाग घुमा दिया जाए, तो गेम को पलटा जा सकता है मेरे गाने के साथ, तो मुझे लगता है। और मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन किया नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दुष्यंत जी का, बहुत प्यारे बहुत सज्जन हैं, और जब मुझे मेरे पास आए थे तब गाना ने बोला कि मैं गाना आपके साथ करना चाहता हूँ, और मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मामला गड़बड़ है, इसके बोल बड़े अच्छे लगे मुझे, और अब आपके सामने बस। आप बताना चाहेंगे कुछ फिल्म के कंसेप्ट के बारे में कि आपके दिमाग में ये नाम क्यों आया, क्योंकि शतरंज पर एक बहुत पुरानी फिल्म भी बन चुकी है और हम काफी बार सुनते हैं, तो क्या ये लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी कि जैसे नाम है? शतरंज पे अब तक दो फिल्में आ चुकी हैं इस टाइटल पे, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जीवन एक शतरंज है, सभी अपने आप में एक किरदार होते हैं, अरबों की जनसंख्या, लेकिन हर किरदार अपने आप में उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी एक खुशी है, और हर किरदार अपने जीवन की जद्दोजहद के लिए संघर्ष करता है और विन करने की कोशिश करता है बैटल को जो वो लड़ रहा है अपने जीवन के लिए, तो ये जीवन ये जिंदगी एक शतरंज है, तो मुझे लगा इससे बेटर टाइटल और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी फिल्म में भी बड़े इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, तो एक से एक बहुत सारे उतराव चढ़ाव हैं, तो मुझे लगा कि ये शतरंज एक उचित नाम होगा इसके लिए। फिर हमारे सामने टास्क था इस शतरंज की बाजी को होता ना एक खुशी खुशी ख़त्म करना है, तो उसके लिए फिर किंग से बड़ा कोई नाम हो नहीं सकता, तो हमने कहा शतरंज की जो अंत होगा वो हम लोग किंग के साथ करें, और मैं बहुत हार्दिक आभारी हूँ अपने प्रोड्यूसर श्री आनंद प्रकाश जी का, मृणालिनी जी का, कि द मोमेंट मैंने इनको कॉन्सेप्ट सुनाया तो दे सैड कि ठीक है चलिए हम लोग गो एड करते हैं। और कोविड में जो जब लॉकडाउन लगा था तो लास्ट फिल्म मेरी रिलीज हुई थी द 100 बक्स, कविता जी के साथ उसमें मुझे काम करने का मौका मिला था एज ए डायरेक्टर, ये दूसरी फिल्म है हम लोगों की, और ये हमारा प्रयास है कि अब जब थिएटर खुल रहे हैं 15 अक्टूबर से, तो थिएटर में भी जो पहली फिल्म हो वो हमारी हो शतरंज, तो ये प्रयास है हम लोगों का, इसीलिए बड़ा हम लोग तूफानी गति से लगे हुए। टॉकी पोर्शन इज कम्प्लीट, आज ये गाना एक गाना और शूट कर रहे हैं और फिल्म कम्प्लीट है, हम लोग पोस्ट पर चले जाएंगे। नहीं, अभी तो फिलहाल लाइक एज अ रूल है गवर्नमेंट का कि आप बहुत ज़्यादा स्टाफ के साथ काम नहीं कर सकते, आपको बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ ही चलना है, तो एक कहीं ना कहीं डिफिकल्टी रही है, बिकॉज बहुत लाइक स्पॉट बॉय और ये सब चीज़ें बहुत हमें लिमिटेड रखनी पड़ रही थी, और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमें लाइक सेफ्टी का बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क एंड ये सब चीज़ों से कभी ऐसा थोड़ा सा भी लाइक हार्ड वर्क कर लिया, लाइक रात को बहुत 9-10 बजे तक शूट चल गया तो बॉडी में थोड़ा पेन हुआ, तो कहीं ऐसा लगता तो कोरोना तो नहीं हो गया तो वो एक जो अप एंड डाउन जो था माइंड का वो बहुत डिफिकल्ट था, लाइक थोड़ा सा भी सर्दी हुई खांसी हुई मतलब शूट की वजह से भी तो फील होता था कि कहीं मतलब दिमागी वो होता था कि अरे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया,
बट बहुत अच्छा रहा शूट, बिकॉज हम लोग जितने भी इस फिल्म में कास्ट हैं सब लोग बहुत सपोर्टिव और बहुत प्यार से काम किया, ऐसा लग रहा था कि एक फैमिली है। तो लास्ट डे जब चल रहा था शूट तो बहुत इमोशनल मोमेंट था कि अरे यार ठीक है। पहली बार ऐसा है कि हमने अपने स्टार से आज तक हैंडशेक नहीं किया पूरी फिल्म में। मेरा मैं समझता हूँ कि ये जैसे भी ये कोविड का जो पूरे वर्ल्ड में एक नई सी चीज़ नया सा नाम उछला है, इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें अपने आप को समझने का और अपने फैमिली, अपने लोगों को, अपने करीबियों को बहुत ही ज़्यादा समझने का मौका मिला। और ये मुझे लगता है कि बहुत जो हुआ है बहुत अच्छा ही हुआ, और इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ख़ास करके आपने खुद बड़े चेंजेस देखे होंगे कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन कम हो गया, कितना पानी साफ हुआ, और कितने लोग जो रोज़मर्रा की, आप काफ़ी मेरे दोस्त हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हैं, तो मैं कभी किसी की हालात पूछने जाता था तो पहले ये होता था कि रोज़ कोई ना कोई पेशेंट पहुंचा हुआ है, क्या है जी, सिर दर्द हो रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं जी, किसी का बीपी हाई हो रहा है जी, किसी शुगर हाई हो रही है। तो ये चीज़ों में बहुत ठहराव आया इसकी वजह से कि लोगों ने खाना सीखा, अपने आप में रहना सीखा, तो बहुत अच्छा था। और बाकी अब आपने देखा कि जैसे थोड़ा बहुत फ्रीडम मिली है वापस से वही सड़कें, वही हाल, वही बुरे हालात। लेकिन इससे कि हम लोग ये सीखना जरूर चाहिए कि मेरी भी सरकार से भी विनती है कि महीने में 2 दिन लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल स्टॉप, सब कुछ बंद होना चाहिए। और बाकी बहुत अच्छा रहा। और ये भी रहा कि अब शूटिंग में आना था तो कोविड टेस्ट करा के आए हैं, क्योंकि खुद अपना पहला, पूरी यूनिट हमारी इंश्योर्ड है, तो ये बहुत अच्छी बात है जो शूट करते हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, और मुझे लगता है कि इसमें मनोबल आपका और स्ट्रांग होना रहा। लेकिन अब जैसे हमारी आदत थी कि 8-8, 10-10, 9-9 लोग मेरे साथ रहती रहते थे, तो ये पूरे जो 4-5 महीने वो मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और बस 2-3 लोग, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, तो अच्छा रहा, अपने आप को जानने का मौका अच्छा रहा। एक सवाल आपसे कि जहाँ पर आप हैं इस समय मौजूद, ये फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, और अब यहाँ पे हालांकि जो शूटिंगें हुआ करती थी दिल्ली NCR के अंदर वो तकरीबन बंद होती जा रही है, यूपी सरकार ने फिल्म सिटी बनाई है उसको लेकर क्या कहेंगे, जो कि हमारे बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के पास एक काफ़ी बड़े उसके अंदर बन रहे हैं। मुझे देखिए, तो एक खुशी की बात है जब आपको पता लगता है कि आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। लेकिन इसकी तारीफ करने से पहले मैं आपको एक सबसे बड़े दुख और बड़े, मैं चाहता हूं कि एक बड़े उसकी बात बताऊंगा, लज्जा की, कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आप भी उसमें शामिल होते हैं, और अभी तक हम लोग एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, हमें कोई भी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो फिल्म सिटी बनना अच्छी बात है, फिल्म सिटी सभी जगह पे है, साउथ में है, इधर ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री है, नोएडा भी है, इसको भी एक्सपेंशन ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ मेरी एक गवर्नमेंट से गुजारिश है, मैंने बहुत मीडिया में भी कई बार हम लोगों ने बोला है कि एटलीस्ट कोई एक ऐसा वे तैयार करें जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, इसको कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन मिले, कोई ऐसा आपके पास। अब मैं सपोज आई एम अ फिल्म डायरेक्टर, तो मैं डायरेक्टर हूँ, उसको मैं साबित कैसे करूँ? सज्जलीला भंसाली तो लोग पहचान जाएंगे, सुभाष की, लेकिन दुष्यंत प्रताप सिंह कौन पहचानेगा? तो कोई तो एक ऐसा हो कि सपोज हम सेंसर कराते हैं तो हमें एक ऐसा एक कार्ड मिले जिस पे कुछ सुविधाएं हों कि भाई ठीक है चलिए आपके आप जब बुढ़े होंगे, रिटायर होंगे, तो क्योंकि हम लोग भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को प्रॉपरली, अच्छा रेवेन्यू देते हैं, तो इस सेक्टर को, अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन इस सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज वे में अगर इसे लाया जाए, और मैं तो स्पेशली आनंद प्रकाश जी हमारे तो वही प्रोड्यूसर भी हैं और गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे भी हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे भी आज इस मंच में गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाए कि इसे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाए, एक ऐसा सेक्टर हो जिसमें कि एक इंडस्ट्री के लोगों के, आर्टिस्टों के भी कुछ अधिकार हो सामाजिक तौर पर। तो यही कारण माना जा रहा है कि जैसे पहले अक्सर शूटिंग हुआ करती थी दिल्ली NCR को, दिल्ली को भी लिया जाता था, अलग बड़क देखने को भी मिलती थी, तो क्या यही कारण है कि जो सुविधाएं ना मिलना, तो अपने आप को समझना, तो इसलिए शूटिंग बंद हो गई? इंडस्ट्री को सुविधा है ही नहीं, फिल्म जगत को आज तक कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिली ही नहीं अपना। हम जो करते हैं, मेहनत करते हैं, सब पूरा सेट बनाते हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए अपना जो भी हमने जो बनाया है सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ें बनाई हैं उनको पेश करते हैं। इस तरीके से बॉलीवुड में बहुत सारे अभी क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं और बताया जा रहा है जैसे कि शांति केस के बाद पूरा फुलके आ रहा है,
तो जैसे आपने अभी मांग रखी सुविधाओं की, तो कुछ मांग ऐसी नहीं रखेंगे कि एक बोर्ड बनाया जाए, जैसे कि जब भी कोई गलत चीज़ें किसी एक उसमें दिखाई देती है तो एक नियामक बोर्ड बन जाता है, तो एक नियामक बोर्ड बने जिससे कि स्ट्रगल जो नया कमर्स है उसके लिए कुछ तो सुरक्षा बने। बच्चे को भेजते हुए माँ बाप आज के टाइम पे बॉलीवुड में कहीं ना कहीं शंका में है, तो उसके लिए एक नियामक बोर्ड की मांग नहीं करेंगे? सर अगर हम बोर्ड की बात करें, अगर जैसे आप तो सब एजुकेटेड हैं, ऑलरेडी हमारे देश में बहुत बोर्ड हैं, अगर उनको ही प्रभावी तरीके से आप लागू कर दें, जैसे महिला राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं। आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, आई डोंट नो पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिशा में जा रही है, देश में उपभोक्ता बोर्ड को छोड़ के किसी भी आयोग को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी विक्टिम को जेल भेज दे, वो केवल उसकी एक एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और सिफारिश कर सकते हैं। किसी भी आयोग में देश के आज तक सिवा उपभोक्ता आयोग को छोड़कर किसी भी आयोग के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी विक्टिम को जेल भेजे, तो एटलीस्ट हम पहले उनको एस्टेब्लिश करें। दूसरी बात बच्चियों की या बच्चों की सुरक्षा की बात आती है, मुंबई की आजकल बहुत बड़ा चल रहा है कि भाई ये वो, मुंबई इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे कि आधी रात को बेटियां 2-3 बजे घर से बाहर निकल के और वापस घर पे आ सकती हैं। कल कविता आए थे यहाँ पे तो मेरी बात हो रही थी, शी सेड कि मुझे वॉक पे जाना है, तो मैंने कहा आप अपने होटल से बाहर मत निकलिएगा, यहाँ 8:30-9 बजे के बाद थोड़ा भाई हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो शी सेड कि मुंबई इस मामले कितना अच्छा, एक छोटा डिस्कशन था हम लोग का, मैं सेट पे ही था कि कितना अच्छा है कि हम लोग रात को 2-3 बजे भी, तो ये तो आपकी जो अपनी सोच है या वो उस पर डिपेंड करता है, बट फिर भी आपका भी अपनी जगह कथन सत्य है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं पहले उनको हम लोग इतना एस्टैब्लिश कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि अगर वो स्ट्रॉन्ग हुई तो मैं नहीं जान समझता कि फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपको सारांश कर दूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिन के बाद पहले मुख्यमंत्री ने ना इस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया और ये इतने बड़े स्केल पर इंडस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं कि मैं समझता हूँ बॉम्बे का 75% काम जो है ना यहाँ से होगा, क्योंकि सब्सिडी भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पिक्चर्स को देती है, जैसे लंदन में मिलती है, लंदन में 40% मिलती है, यहाँ लगभग 20-25% मिलती है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा एक फिल्म सिटी के नाम से बॉम्बे हब हो जाएगा, हब हो जाएगा, पहले नंबर पे होगा। जब दुष्यंत जी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, मैं बता दूँ आपको कि इसमें बहुत सारे सस्पेंस हैं, तो मैंने इनको बोला था कि हाँ देखिए बहुत बढ़िया स्टोरी है और आगे चलनी चाहिए, तो फिर एक बात हमारी आपस में तय हुई कि देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने इन्हें एक शेर बोला कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हुस्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, वो सलामत हार गिर कर है मुसाफिर, ठोक रहे इंसान को रास्ता दिखाती हैं। वाह, तो मैं समझता हूँ यह पिक्चर हमको बहुत ऊपर ले जाएगी, यही मेरा। बाल भवन के आप ऑलरेडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इतना इनका पूरे इंडिया का जुडिक्शन है, तो कोई विद्वान आदमी सुशोभित करता है उस पद को। और मैंने तो रिक्वेस्ट की थी आदरणीय आनंद जी से, मैंने कहा सर एक करेक्टर आप भी कर लीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, तो एक गेस्ट अपीयरेंस हम लोगों ने एक साथ में रखा है, आई एम ऑल्सो इन द एयर, आनंद सर भी हैं और भी मृणालिनी जी भी हैं, काफ़ी लोग हैं, लेकिन इट्स अ स्मॉल गेस्ट अपीयरेंस। बाकी सर हम लोगों का शायद अभी तक का जो प्लान है 3rd वीक में हम लोग रिलीज करेंगे फिल्म को। फिल्म इज कंप्लीट, बस 2 गाने बचे हैं, आज हमने किंग के साथ शूट कर रहे हैं और एक गाना हम लोग का मुंबई शूट है। गाने के अलावा भी कुछ नोएडा में शूट किया है या केवल गाना है? नहीं नहीं केवल गाना शूट है, एक छोटा सा शूट हम लोग कल गाजियाबाद में। मैं एक तो 40 लोगों का काम अकेले करता हूँ, मेरे आर्टिस्ट मुझसे इसलिए खुश रहते हैं बिकॉज मैं सेट पे मौजूद रहता हूँ, अल्टीमेटली डायरेक्टर्स क्या दे आर बिहाइंड द स्क्रीन, बैठे हैं आराम से मॉनिटर पे और ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत कम साथ इसीलिए काम कर सके बिकॉज मैंने अपना करियर ही बहुत शून्य से शुरू किया था, तो सुई से लेके हवाई जहाज तक मैं को मुझे लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू कविता जी जो हमारी लीड एक्ट्रेस है, मेरी दूसरी फिल्म है इनके साथ में, कभी भी सेट पे ऐसा नहीं कि तैयार होने में टाइम, ये टाइम जब भी बोलो बिल्कुल फौजी की तरह से रेडी होना। हितेन तेजवानी अपना उनका गुप्ता ब्रदर्स अभी शुरू हुआ, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सीरियल टेलीविजन का, वो अपना शूट बोले सर हम कंप्लीट करेंगे। हेमंत पांडे बहुत कम शूट करते हैं, वो 3-4 घंटे काम करते हैं, 10-10 घंटे ही वर्क विद मी। शावर अली स्पेशली सीधे एयरपोर्ट से आके सफ़र करके वो 11 बजे मेरे सेट पे और रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया, वो काम इसलिए किया
कि इंडस्ट्री की खासियत है अगर डायरेक्टर खड़ा रहे अगर सेट पे तो फिर सारे आर्टिस्ट लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे चैनल्स में भी आपके अगर रेस्पेक्टेड चीफ एडिटर खड़े हुए हैं तो एवरीबडी इज ऑन फ्लो, तो इट डिपेंड ऑन द सारी चीज़ें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अगर वो सेट पे मौजूद हैं और काम का माहौल है तो फिर काम होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। एंड डेफिनेटली साथ ही साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे जैसे कि हमने मल्टी कैमरा सेटअप यूज़ किए, वी आर शूटिंग ऑन 3 कैमरा सेटअप, तो टाइम बचाने की कोशिश की हम लोगों ने। जहाँ एक दिन में आप 2 से 3 सीन करते हैं, हम लोगों ने 6 और 7 सीन शूट किए। मूवी में मैंने आपको वही मैसेज बोला कि जीवन में हर कोई अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, उसे बैटल को विन करने की कोशिश करता है, कोई भला है कोई बुरा। तो मेरी मूवी में बहुत सारे किरदार बिखरे हुए हैं, अब आप पसंद कर लीजिए आपको कौन सा किरदार पसंद है और आप किस तरीके से फिर अपने जीवन को उनसे प्रेरित होकर आगे ले जा सकते हैं। पैंडेमिक सिचुएशन में मूवीज को आप देख पा रहे होंगे कि 50% सीट के लिए अलाउड किया गया है और सिनेमाघर में उतारना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रेट हाइक्स नहीं हुए और इसी 50% में रेवेन्यू जनरेट करना है, तो क्या रहेगा? क्या इसका जवाब तो मैं ये दूंगा कि अभी तो ये तो आप फिल्म की तो एंटरटेनमेंट की बहुत दूर की बात कर रहे हैं। अभी बुद्ध बाजार मंगल बाजार खुल गए हैं, वहाँ इतनी भीड़ है तो लोग सर जो जाएंगे जो मर्जी हो लोग जाएंगे, क्योंकि लोग एंटरटेन होना चाहते हैं सर। और मैं तो कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर, मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म 2 महीने लगी रहे, 50% आता है, 2 महीने कलेक्शन होगा 150 करोड़, पार्टी दूंगा आप सबको। सर आप सॉरी मैं बात जो मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरे बहुत सारे अपने मेरे क्लोज रिश्तेदार हैं और जिन लोगों को ऐसे ही आप कहेंगे डिजिटल देख देख के, तो कई रिश्तेदारों के एक तो खास उनकी ऐसी आदत होती है जो देख 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 के ऐसी आदत होती है उनकी MRI ही नहीं हो पाई, अब वो चल नहीं पाते हैं ऐसे मुंडी रख रख के सर। तो ये डिजिटल जो है वो अच्छी तो बहुत चीज़ है लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ देता फटाफट, वो सब हमने देखा है इन दिनों, बहुत सारे रिश्तेदार जो चल नहीं पा रहे और बहुत सारे अच्छे मेरे दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर जो बैठे बैठे उनका ये हाल हो गया कि सडनली उठे उनसे चला नहीं जा रहा और बॉडी काम नहीं कर रही है, तो जब उनको MRI की गई है तो सारी रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम, गर्दन में प्रॉब्लम, तो ये तो डिजिटल तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है लेकिन ये बीमारियों से भी करता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि सिनेमा हॉल की तरफ ध्यान दिया जाए। सर आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, अरे उलझी भरी दुनिया सारी बिना गल बिना बात के, तो ये बहुत मामला गड़बड़ है और मस्ती वाला है और बहुत अच्छे तरीके से माहौल है, तो एंजॉय कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया है और मैं चाहूँगा सर कोरोना में आप आए, मैं हृदय से एक बात कि कोरोना टाइम है और हमको शूट भी जल्दी खत्म करना है। एक सवाल मेरा है, आपसे पहले बॉलीवुड में ऐसी आवाज क्यों नहीं होती कि दिल्ली NCR में फिल्म सिटी बनना चाहिए, ऐसा क्या हुआ कि सुशांत केस के बाद ऐसी आवाजें होती कि दिल्ली NCR में फिल्म सिटी बनना चाहिए? आवाज उठाए कौन, हम ही लोग उठाएंगे, यहाँ के लोग, जब यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई तो फिल्म सिटी बन रही है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। और बाकी रही बात बाकी और चीज़ों की, जैसे हमारी इंडस्ट्री का कोहिनूर हीरा था सुशांत, अब वो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है पूरे देश ने एक एक जो प्रेशर बनाया, मुझे लगता है ऐसा सभी के साथ होना चाहिए, गरीब बच्चे के साथ भी होना चाहिए और ये अच्छी बात है। एटलीस्ट कोई भी शुरुआत हो एकजुटता और यूनियन की तो वो एक अच्छी बात है, और मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ, हम लोग खुद चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले, उनकी उनको शांति। क्यों नहीं मिलेगा जस्टिस? देखिए देर ऊपर वाले घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो न्याय तो डेफिनेटली न्याय तो हर हालत में मिलता ही मिलता है। इस ये ऐसा देश है जहाँ पे प्रधानमंत्री जेल चले गए, तो ये तो बहुत छोटी सी बात। है तो बहुत बड़ा मोमेंट, वो इतना बेस्ट है कि वो बता ही नहीं सकते, बिकॉज वो बताया तो आप पूरी फिल्म समझ जाओगे और जाओगे नहीं देखने। मतलब ऐसी लड़की मुझे, मैं खुद ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये फिल्म करने को मिला है, मतलब बहुत ही प्यारा मोमेंट है, एक छोटा सा एक मिनट का वो सीन है जो पूरी फिल्म को पलट देता है, मतलब पूरी फिल्म की मतलब बाजी ऐसी तैसी हो गई है, समझ में नहीं आएगा कि मतलब आप शुरू से जो मुझे देख रहे हो वो आप पूरा चेंज हो जाएगा आपका माहौल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना अपना घूम हटा लो ताकि फोटो आपको।